हाय, दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी फ्रॉम ईरामदु रोग निदान केंद्र। आज मैं आपको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चला है, पैरानॉइड, पैरानॉइड मतलब होता है शक करना। इस बीमारी में पेशेंट अत्यधिक शक करने लग जाता है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति अपनी वाइफ पे शक कर सकता है, या वाइफ अपने हस्बैंड पे शक कर सकती है, अपने स्पाउस पे शक कर सकता है, लोगों पे शक करने लगता है। क्या सिम्टम्स होते हैं शुरुआती तौर में? तो शुरुआती तौर में अगर आप इन लोगों की पर्सनालिटी में आप देखेंगे, ये लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। जब वो कोई वीडियो या कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अपमानजनक जो लिखावट है उनको ज़्यादा पढ़ते हैं या उनको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की फ्रेंड सर्किल बहुत कम होती है, वो लोगों पे कम भरोसा करते हैं, वो कोई भी बात कहते हैं या कोई करता है तो उसकी मीनिंग बहुत बढ़ा चढ़ा करके निकालने वाले होते हैं। तो ये इस प्रकार के इनके व्यक्तित्व होता है। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तब ये बीमारी का रूप लेने लग जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो क्या आप उसमें देख सकते हैं? जैसे कि वो कह सकता है कि ये जो मेरे आस पड़ोस वाले लोग हैं वो मेरी ही बातें कर रहे हैं, अभी मेरे बारे में बोला है उन्होंने, और वो मेरे बारे में साजिशें करते हैं या मेरी ही बातें करते रहते हैं, या फिर वो घर में लोगों को कहेगा वो मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरी बातें करते हैं, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। या फिर ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अपनी पत्नी या पति पे शक करने लग जाता है। पैरानॉइड पर्सनालिटी का व्यक्ति यदि अपनी पत्नी पे शक करता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि अगर वो किसी से बात कर रही है तो उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, यदि कोई उससे जोक कर रहा है या वो किसी से जोक कर रही है तो उसके मायने कुछ और हैं और वो उसको पसंद कर रही है, यदि वो किसी को देख रही है या उसको कोई देख रहा है तो उसका मीनिंग कुछ आ रहा है, वो उसको पसंद करने लग जा रही है या वो व्यक्ति उसको पसंद कर रहा है। तीन तरीके की चीज़ें इनकी पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं, ग्रज रखना, सस्पिशियस रहना, डाउट रखना। ये हाइपर सेंसिटिव रहते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ तो सही तरीके से जीते हैं लेकिन इनसे दूसरे की लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, इनके रिलेशन ज़्यादातर खराब होने लग जाते हैं क्योंकि इनकी बेवजह ये शक करते हैं, उसका कोई मीनिंग या कारण या वजह नहीं होती है, इसलिए इनके रिलेशन खराब होने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर यही शक ज़्यादा समय तक बनता है, ज़्यादा समय तक पेशेंट इसमें जीने लग जाता है, तो ऐसे में कई सारी चीज़ें और भी स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे इल्यूशन है, डिल्यूजन है एंड हेलुसिनेशंस, और ये गंभीर समस्या बन सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इल्यूजन, डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस क्या है और कब हम जाने कि ये पर्सन अब हेलुसिनेशंस में जा रहा है या डिल्यूजन हो रहे हैं और हमें डॉक्टर से जल्द ही कंसल्ट करना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं कि इल्यूजन क्या होता है। इल्यूजन जैसे कि ये एक स्ट्रॉ है, हम सभी को स्ट्रॉ दिखेगा, बट उस पर्सन को ये सांप दिखने लग जाए तब ये समझ लीजिए जब पेशेंट को इल्यूजन हो रहा है। यानी कि वो पर्सन, अगर वो कोई महिला किसी पुरुष से बात कर रही है तो जो बातें हो रही हैं, बातें कुछ और हो रही हैं, उसको महसूस कुछ और हो रहा है। इल्यूजन क्या है? एक तरीके की गलत सोच है, जैसे कि खुद मान बैठना कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ और उसके कई सारे प्रूफ देने लगना, कई सारे क्लू देखने लगना, तब ये डिल्यूजन है। यानी सोच में ही बिल्कुल ही अलग और गलत सोच, जैसे कि ये मान लेना कि मेरी वाइफ गलत है या मेरा हस्बैंड गलत है और उसके उसके कई सारे वो प्रूफ देने लग जाता है कि देखो मेल में ऐसा आया था, अभी व्हाट्सएप बंद किया है और अभी मैंने बात करते हुए उसको सुना है। आता है हेलुसिनेशंस और ये गंभीर है। हेलुसिनेशन मतलब कि रस्सी है ही नहीं मगर सांप दिखाई दे रहा है। जब पर्सन ये कहने लगे कि अभी मैंने उसको जाते हुए देखा है जिससे ये महिला बात कर रही थी, जिससे मेरी वाइफ बात कर रही थी, या वाइफ ऐसा बोले कि अभी मैंने उस लड़की को जाते हुए देखा है, वो देखो वहाँ पे खड़ी है, मैंने आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो इस तरीके की बातें जब करने लगे तो ये हेलुसिनेशंस है और ये गंभीर रूप है। आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इनका इलाज अगर शुरुआती तौर पर आए तो साइकोथेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू सही हो सकता है, लेकिन अगर देर हो जाती है तो इसको डायग्नोज करके मेडिसिंस और साइकोथेरेपी दोनों के जरिए सही किया जा सकता है। तो देर ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, हमारे पास आएं, हम आपकी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।